डिजिटल के लिए हम लोगों का प्रयास है, चूंकि हम लोग का पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो पोर्टल है सीधे जा करके कर सकते हैं, चाहे डीएमसी हो या फिर अंचल कार्यालय हो, इंस्पेक्टर के पीछे पीछे भागने की आवश्यकता नहीं, सीधे पीएमसी के ये पर जा करके वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। पटना वासियों से अब पटना नगर निगम 120 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी में है। जी हां, आपको बताएं, पटना नगर निगम के अंतर्गत 75 वार्ड्स आते हैं, जिसमें अब घूम घूम कर 50 लोगों की टीम 120 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी करेगी। इसकी शुरुआत आज से हो गई है। पटना नगर निगम के आयुक्त यानी कमिश्नर अभिषेक प्राशर ने इसकी जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि पटना नगर निगम के द्वारा रेवेन्यू जो टैक्स होता है वो देने के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता था, मगर अब ऑनलाइन माध्यम भी आ गया है और अब 50 लोगों की टीम जिसे ट्रेंड किया गया है वो लोग घरों में जाएंगे, वहां पर बैठेंगे और लोगों से रेवेन्यू टैक्स यानी संपत्ति कर आमजनों से लगातार करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए पटना नगर निगम के कमिश्नर इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। 120 अभी 31 मार्च तक एक लक्ष्य रखा है और एक अभियान हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं कि रेवेन्यू को लेकर के, राजस्व कलेक्शन को लेकर के 50 टीमें बनाई गई हैं। हम लोग वार्ड का सर्वे करेंगे, असेसमेंट करेंगे और शिविर भी हम लोग लगाएंगे, हर वार्ड में हम लोग शिविर भी लगाएंगे और इसके लिए 50 और टीमें बनाई गई हैं, उनकी विशेष प्रशिक्षण, 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी करेंगे। तो एक बार जब प्रशिक्षण हो जाएगा तो 500 लोग निगम में तैयार हो जाएंगे और ये लोग निगम के असेट रहेंगे। निगम कभी भी हम लोग शॉर्ट नोटिस पर भी कहीं कैंप लगाना है, जैसे पार्क्स में कैंप लगाना है वहाँ भी हम लोग लगा सकते हैं। मॉर्निंग वॉकर अपना जॉगिंग के साथ साथ वो भी अपना टैक्स का भी पेमेंट वहीं पर कर सकते हैं। डिजिटली ट्रांजेक्शन कलेक्शन के लिए, डिजिटल के लिए हम लोगों का प्रयास है, चूँकि हम लोग का पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो पोर्टल है सीधे जा कर के कर सकते हैं, अलग से इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कार्यालय में आने के लिए, चाहे पीएमसी हो या फिर अंचल कार्यालय हो, इंस्पेक्टर के पीछे पीछे भागने की आवश्यकता नहीं, सीधे पीएमसी के ये पर जा कर के वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। कब से शुरू हुई है? ऑनलाइन तो अभी भी कर सकते हैं, वो चालू है, वो इसमें कहीं कोई चैटबॉट जो लॉन्च होने वाला है सर, उसमें लगभग तैयारी पूर्ण है। शीघ्र हम लोग एक बार जब ही उसका टेस्टिंग के बाद उसको प्रारंभ किया जाएगा। तो आपने सुना, उन्होंने बताया कि किस तरह से 50 लोगों की टीम जाएगी घरों में, उन तमाम वार्डों में जाएगी और जो रेवेन्यू टैक्स होता है वो वसूलेगी। आपको बताएं कि जो लोग होते हैं, जो आमजन होते हैं, वो इंस्पेक्टर यानी जो टैक्स जो इंस्पेक्टर वसूलते हैं उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, कार्यालयों का चक्कर लगाना उन्हें पड़ता है, मगर अब उसके लिए भी पटना नगर निगम ने खास तैयारी कर ली। व्हाट्सएप बोट के जरिए अब आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, मैसेज करते ही आपको मैसेज आएगा और ठीक उससे आप पटना नगर निगम को टैक्स दे सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी टैक्स हो या कोई से भी मदद पटना नगर निगम से अगर आपको चाहिए तो आप सेकेंडों में ले सकते हैं। वहीं आप वेबसाइट पर जाकर भी पटना नगर निगम के टैक्स को पे कर सकते हैं। तो एक बड़ी तैयारी में पटना नगर निगम है और 31 मार्च तक लक्ष्य रखा गया है 120 करोड़ रुपये वसूलने का। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।